उबले हुए आलू और ग्रेटेड पनीर एक बोल में ले लें, साथ में डालें अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, जीरा पाउडर, आमचूर, नमक और काला नमक दोनों डालें और बाइंडिंग करने के लिए कॉर्नफ्लावर डालें। ये हम बना रहे हैं टिक्की आलू की, जिसके अंदर हम अभी स्टफिंग भरेंगे। आलू को अच्छे से मैश कर लीजिएगा एकदम स्मूथ होने तक, एकदम चिकना होने तक, और कॉर्नफ्लावर जो है सब मिक्स हो चुका होना चाहिए आलू में। अभी इस आलू के मिक्सचर के 6 से 7 या इवन 8 गोले तक आप बना सकते हैं, अगर आपने 3 मीडियम साइज आलू लिए हैं तो। स्मूथ गोले बना लें इस तरह से। टिक्की के अंदर फिलिंग बनाने के लिए आप थोड़ा सा उबला हुआ चना डाल लें, उबले हुए बीटरूट के छोटे छोटे टुकड़े लें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, साथ में डाल लें नमक और चाट मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही चटपटा फिलिंग आपके टिक्की के लिए तैयार हो जाता है। अभी हम टिक्की बना लेते हैं। आलू के अंदर ये चना दाल और बीटरूट का जो मिश्रण है, स्टफिंग है, उसको हम डाल लेंगे इस तरह से। आप टिक्की को टेबल के ऊपर इस तरह से रख के चाकू के हेल्प से आप उसको फ्लैट दबा दबा के आप शेप दे सकते हैं, और साइड से भी आप चाकू का ही सहारा लेके सीधा एज बना सकते हैं इस तरह से। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा स्टफ्ड आलू टिक्की। एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं थोड़ा सा शैलो फ्राई करने के लिए, और इन टिक्की को अभी हम डाल देंगे तेल में शैलो फ्राई होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे ही आपको शैलो फ्राई करना है। बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो बहुत जल्दी बाहर से ब्राउन हो जाएगा आलू। हम चाहते हैं कि स्लो फ्लेम पे अच्छे से करारे तरीके से ब्राउन हो सब के सब टिक्की हमारे। काफ़ी डेलिकेट रहते हैं टिक्की, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए इन टिक्की को पलटाते समय। दोनों साइड अच्छे ब्राउन, क्रिस्प और करारे होने के लिए कम से कम 7 से 9 मिनट तो लगेंगे ही। हाई फ्लेम पे तो आपने बिल्कुल ही नहीं करना है ये प्रोसेस, और जितने करारे आलू लगेंगे उतना ही आपका डिश का फाइनल टेस्ट अच्छा लगेगा। देखिए कितने करारे लग रहे हैं ये टिक्की। बस आप एक चीज़ इंश्योर करिए कि दोनों ओर से अच्छे क्रिस्प और करारे होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम दही ले लेंगे। घर का अच्छे क्वालिटी का दही लीजिए, उसमें डालें नमक, काला नमक, पिसी हुई शक्कर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। ये बेसिक दही है जो आप चाट के साथ खाते हैं। आपके घर पे जैसा बनता है आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। इस रेसिपी के लिए मैं काफ़ी गाढ़ा दही ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इस दही को पतला करूँगा और कलर और फ्लेवर ऐड करूँगा, ऑल नेचुरल। चलिए अभी असेंबली शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा दही अलग से निकाल के उसमें बीटरूट का जूस डाला है और मिक्स कर लिया है। दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही खूबसूरत ये दही। इस दही के ऊपर अभी आप टिक्की रखिए, ऊपर से थोड़ा सा प्लेन व्हाइट दही डालें, उसके ऊपर आप डालिए हरी चटनी, इमली की चटनी,
ऊपर से डालें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। मैं डाल रहा हूँ थोड़े से बीटरूट के जुलियंस, अदरक के जुलियंस, अनार के दाने अगर आपके पास हो तो, थोड़े से हरा धनिया से गार्निश करें। दूसरा आलू टिक्की का चाट मैं बना रहा हूँ दही और हरी चटनी के मिक्सचर से। हरा रंग का दही आप प्लेट में डालने के बाद आपके पास जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ आप डेकोरेट करें, गार्निश करें और टेस्ट लाने की कोशिश करें। मैं इसमें डाल रहा हूँ हरी चटनी, टमाटो सॉस और इमली, तीनों डाल रहा हूँ। गाजर के थोड़े से जुलियंस, जैसे मैंने पहले भी बोला आपके पास जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ आप चाट को बिल्ट अप करिए। इस नीले रंग के दही में मैंने डाला है दही और ब्लू पी फ्लावर का एक्सट्रैक्ट। ब्लू पी एक फूल रहता है नीला कलर का, सूखा जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, उस पर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसको यूज़ कैसे करना है। मैंने बहुत थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसमें 5-6 फूल डाले हैं और वो जो पानी निकलता है उसको दही में डाला है। बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये चाट ब्लू कलर के साथ, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। और आखिरी का जो हमारा दही है ये मैंने बनाया है गाजर के जूस के साथ। आप इसमें थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप बीट का जूस भी डाल सकते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा, आपके घर में जैसे आप चाट बनाते हैं वही स्टाइल से आप चाट बनाएं। आप ये इंग्रेडिएंट को छोड़ के अगर और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं आपके चाट में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं।